नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आपके समक्ष एक ऐसे प्रश्न का उत्तर लेके हाजिर हुए हैं जो कि मेरा मानना है कि आमतौर पर ज्यादातर प्रतियोगियों के मन में कभी ना कभी ऐसा प्रश्न जरूर आता है। खासतौर पर जो नए प्रतियोगी हैं उनके मन में एक शाश्वत संदेह की स्थिति उत्पन्न रहती है कि उनको कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है या नहीं है अपनी तैयारी के लिए। तो आज जो हमारा ये थंबनेल है या टॉपिक है वो ये है कि आरओ के लिए कोचिंग ज्वाइन करना कितना जरूरी है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस लिहाज से देंगे कि अगर आप इसमें आरओ को हटा भी दें और ये देखें कि आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी है या यूपीपीसीएस है या किसी भी अन्य एसएससी ट्रिपलएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसमें ये देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग इन सभी बातों को यहाँ पर लॉजिक्स के स्तर पर तर्कों के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कोचिंग करना जरूरी क्यों है, इसको समझने के लिए हम लोग दो स्तर पर इसको समझ सकते हैं। पहली बात कि कोचिंग से हमें हासिल क्या होता है, यानी कोचिंग का काम क्या होता है। दूसरी बात हम लोग ये समझें कि कोचिंग से जो बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड होते हैं किसी भी अच्छी कोचिंग से, वो वास्तव में हम लोग अपने स्तर पर उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी हम लोग अपने स्तर पर उन समस्याओं का कुछ निदान खोज सकते हैं जो हमें पर्सनल लेवल पर फेस करनी होती है और कोचिंग हमें उसमें हमारी हेल्प कर देते हैं। तो अगर इन प्रश्नों का हम उत्तर देखें, सबसे पहले देखें कि कोचिंग से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो अगर लाभ की बात करें, सबसे पहला एक जो लाभ होता है वो ये होता है कि कोई भी टीचर जिस भी आप कोचिंग में जाते हैं वो बहुत फोकस्ड तरीके से आपको पढ़ाता है। यानी आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसकी कोई स्पेशलाइज्ड अच्छी कोचिंग में अगर जाते हैं, तो वहां पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कम से कम 5-7 साल 10 साल का अनुभव लिए हुए होते हैं। उनको पता रहता है कि किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में, किस टॉपिक में कहाँ से प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना है। वहीं अगर आप इसको अपने से करते हैं तो आप करते क्या है कि आप कोई भी बुक उठा लिए, और भले ही आप स्तरीय पुस्तक भी उठाएं, लेकिन उसमें अब चूंकि जिसने पुस्तक लिखी है वो विद्वान ने तो पुस्तक लिखेंगे, तो वो महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण सभी चीज़ों का समावेश करना उनकी मजबूरी है, अन्यथा उनकी पुस्तक अधूरी रह जाएगी। तो वो सभी चीज़ों का, कोर्स में दी हुई सभी चीज़ों का वो लोग समावेश करते हैं। परंतु एक टीचर जो होता है, एक कोचिंग पढ़ाने वाला ट्यूटर जो होता है, जिसको अनुभव है कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको एग्जैक्ट गाइड कर सकता है कि आप ये सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दें, इस पे कम ध्यान दें, इसको चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहां पर कोचिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। वहीं जब आप लोग अपने स्तर पे किसी भी बुक को पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखते हैं कि आप एक तरफ से सारी ही चीजों पर पर्याप्त ध्यान देते हैं, सारी ही चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपका पर्याप्त समय जाया हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस प्रॉब्लम को देखें, अगर मान लीजिए कि आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, कोचिंग से ये एक बड़ा लाभ हमें प्राप्त होता है कि आपकी सारी चीजें फोकस्ड तरीके से तैयार होती हैं, टीचर्स के अनुभव का हमें लाभ मिलता है। परंतु अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, संसाधन नहीं है, तो आप चाहे तो इसको अपने स्तर पर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को देखें। प्रीवियस ईयर्स के जो भी आप जिस भी आयोग के जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उस आयोग के सभी जो परीक्षाओं पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं उनको अगर आप देख लेते हैं, उनसे एक ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का बारीक से अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण कर सकते हैं कि उसमें कहां से, किस सेक्शन से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अच्छे या मतलब कठिन या बहुत कठिन या सरल, इन सभी में उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो आप निश्चित तौर पर एक ऐसी आपकी स्थिति हो जाती है कि आप न केवल आयोग के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की डिमांड को समझ लेते हैं, बल्कि आप यह भी समझ लेते हैं कि किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा कम महत्वपूर्ण है। उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका टीचर या कोचिंग की जो भूमिका होती है, उसको आप अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों पर अधिक ध्यान देते हैं, तो आप निश्चित तौर पर उस एक भूमिका को कम कर सकते हैं। तो यानी इस लेवल पर अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आपके पास एक निदान उपलब्ध है। ठीक है, अगला हम लोग अगर देखें, तो अगला जो सबसे बड़ा एक फायदा होता है कोचिंग का, वो ये होता है कि वहाँ पर चीज़ें बहुत फोकस्ड, जो आपका एक रेगुलरिटी बनी रहती है, और एक कम समय में आप लोग सारा कोर्स, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, और एक कम समय में उन चीज़ों को दोहरा लेते हैं। वही जब आप अपने स्तर पर करते हैं, तो अपने स्तर में आपके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप नियमित नहीं हो सकते हैं, आप नियमित नहीं हो पाते हैं। अमूमन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि लोग नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अनलेस कि आपका
कोई एग्जाम ना लगाओ। जब एग्जाम लगा होता है तब तो आपकी पढ़ाई नियमित रूप से चलती है, परंतु जैसे ही एग्जाम ओवर हुआ फिर पता चला 1-2 महीने के लिए आपका गैप आ गया। तो ऐसी समस्या ज्यादातर लोगों के साथ में होती है। तो उस समस्या को अगर देखेंगे तो वहां पर अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको कोचिंग जाना ही जाना है, चाहे आपका एग्जाम हो गया नहीं हुआ या क्या हुआ, वहां पर अगर क्लासेस चल रही है तो आप जाएंगे ही तो पढ़ेंगे ही, तो उस हिसाब से आपका एक रेगुलरिटी बनी रहती है। रेगुलरिटी बने होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए तो अगर आप ये बात करें कि इसमें हम लोग के पास क्या एक इस समस्या का निदान है कि हम लोग की रेगुलरिटी बनी रहे, तो इसमें देखिए आप जो हमारा ये मानना है कि अगर आप किसी भी संस्थान की कोई अच्छे संस्थान की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपके साथ ये एक प्रॉब्लम की समस्या सॉल्व हो जाएगी कि आपकी रेगुलरिटी ना बनी रहे। क्योंकि आप जब आपके पास एक टारगेट होगा कि हाँ हमें अगले हफ्ते हिस्ट्री के इस सेक्शन को कवर करना है, इस पर हमें टेस्ट देना है, तो आप निश्चित तौर पे अपने अंदर एक रेगुलरिटी बना के रखेंगे। आप उसको एक विद इन टाइम फ्रेम में उसको करने की कोशिश करेंगे, आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से टारगेटेड एंड गाइडेड वे में चलेगी। तो इस लिहाज से देखें कि अगर आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी अच्छे संस्थान की, तो आपका ये संभावना है कि आपकी रेगुलरिटी वाली समस्या भी सॉल्व हो सके। तो यानी कि कोचिंग का पहला फायदा कि आपकी सारी चीजें फोकस्ड तरीके से और बिना अनइम्पॉर्टेंट जो कम महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम लोग स्किप करके और महत्वपूर्ण चीजों पर ज्यादा ध्यान दे करके, ये वाला जो फायदा होता है इसको हम लोग अपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों का अवलोकन करके इसकी हम समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। वहीं दूसरा जो है फायदा कि हमारे जो भी रेगुलरिटी वाली प्रॉब्लम है तो उसको भी हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ में देखें अगर कोचिंग से और क्या क्या फायदे होते हैं, तो इसमें एक बड़ा फायदा ये समझ में आता है कि कोई भी अगर कठिन प्रश्न है, कठिन प्रश्नों को या कठिन जो सेगमेंट है टॉपिक है उनको हम लोग टीचर जो है वो सरल बना देते हैं। कोई भी टीचर हो वो अगर अच्छा टीचर है तो वो कठिन चीज़ों को सरल बना करके आप लोगों के सामने पेश करता है, जिससे आप लोग को समझने में आसानी रहती है। अगर इस पे हम लोग देखें तो इस पे क्या हम लोग के पास कोई सॉल्यूशन उपलब्ध है, तो इस पर देखें तो हम लोग जैसे मान लीजिए आप कोई भी डिटेल्ड अगर स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय की स्टैंडर्ड बुक्स को अगर आप डिटेल्ड वे में कवर कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें बहुत बेसिक से दी होती हैं। साथ ही अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में भी सारी चीज़ें एकदम शुरुआत से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाते हैं। उसके बाद आप लोग स्टैंडर्ड बुक करेंगे तो उसमें भी सारी चीज़ें शुरुआत से आपकी, तो वास्तव में आप बहुत जब नीचे लेवल से आगे बढ़ेंगे ना कि डायरेक्ट हाई लेवल के बुक को पकड़ेंगे तो अपने आप आपके सामने कोई समस्या ऐसी रह नहीं जाती है। परंतु फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो आपके सामने गूगल या यूट्यूब ऐसे तमाम सारे संसाधन आज के समय में उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से आपको कभी भी कोई छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को समझने, मान लीजिए कि आपको क्रिप्टो करेंसी नहीं समझ में आ रही, आप सीधे क्रिप्टो करेंसी को गूगल सर्च कर लीजिए या फिर यूट्यूब पे देख लीजिए, तमाम सारे वीडियोज या फिर पोस्ट वहाँ पे ब्लॉग्स दिख जाएंगे जिसमें आप लोग ये समझ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो आप उतने टॉपिक को समझने में आपका थोड़ा ही समय जाएगा, बल्कि आप और अगर आप पूरे ही सिलेबस को कोचिंग से करेंगे तो उसमें आपका समय भी ज़्यादा जाएगा, या लंबे लंबे वीडियोस देखेंगे कोचिंग के जिसमें आपको पहले से भी चीज़ें पता हैं फिर भी आप उसको दोबारा से पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, तो उसमें आपका समय तो ज़्यादा जाएगा ही। तो इसलिए एक ओवरऑल अगर निष्कर्ष की बात करें तो नो डाउट कोचिंग से बहुत सारे फायदे हैं, आपके श्रम की बचत होती है, आपके समय की बचत होती है, ये कई सारे फायदे हैं। परंतु एक बात आप समझ लीजिए कि भले ही इन सभी चीज़ों के फायदे हैं, मगर सबसे पहली बात कि आपको अच्छी कोचिंग का चुनाव करना ज़रूरी है। आप ध्यान दीजिए कि आप जो जैसे ऐसी कोचिंग या फिर जो यूट्यूब चैनल्स पे भी कई सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जिनमें वो 8 से 10 मिनट केवल इसी में निकाल देते हैं, अगर उनका आधे घंटे का वीडियो है उसमें 8 से 10 मिनट वो केवल इसी में निकाल देते हैं कि आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करके ये बताइए वो बताइए, तो उसी में वो लोग टाइम निकाल देते हैं, या फिर वो हर एक एक दो दो वीडियो के बाद मोटिवेशन देने लगते हैं या फिर हर 10 मिनट के बाद मोटिवेशन देने लगते हैं। तो वास्तव में उतने ज़्यादा आउटर मोटिवेशन की आपको ज़रूरत होती नहीं है भाई, आपके लिए अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो आपके लिए मोटिवेशन उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जब आदमी की पढ़ाई अच्छी चलती है तो फिर वो हर कुछ करने में सक्षम होता है, हर एग्ज़ाम निकालने में सक्षम होता है, और आउटर मोटिवेशन आपके लिए उतना ज़्यादा कारगर नहीं सिद्ध होता है। वो क्षणिक उत्तेजना तो उत्पन्न कर सकता है परंतु कोई स्थायी समाधान नहीं खोज सकता है आपके लिए। तो इसलिए ऐसे वीडियोस से बचने की कोशिश करें, ऐसे कोचिंग से बचने की कोशिश करें जो आप लोगों के साथ एक छलावा करती हैं। कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें तो आपको निश्चित तौर पर फायदा है, परंतु यह ज़रूरी नहीं है कि सफलता के लिए कोचिंग ज़रूरी हो। मतलब
कोचिंग के बगैर भी सफलता मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे सफल हुए हैं। उसका कारण यह है कि अगर आप लोग प्रॉपरली प्रीवियस ईयर पेपर पर नज़र डालते रहें, उसको एनालाइज करते रहें। हमने अपना एक जो प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो एक डिस्कशन वीडियो हम लोग ने लॉन्च किया है, वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए किया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनसे आप लोग रूबरू हो सकें। वास्तव में उससे बेहतर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आप लोग आयोग की डिमांड को समझ सकें, या फिर आप लोग यह समझ सकें कि किसी भी सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग बस प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पर ध्यान दीजिए, और इसी प्रकार से अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी रेगुलरिटी भी बनी रहेगी। और टेस्ट सीरीज के लिए भी हम लोग ने फ्री टेस्ट सीरीज के लिए, इसी वजह से आरओ की फ्री टेस्ट सीरीज फिलहाल हम लोग ला रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग कई अन्य भी जो कोर्सेज हैं उनकी भी हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज कुछ ही समय में ला रहे होंगे। जैसा कि हमारी ऐप अभी कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है, तो उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल होंगी। वहाँ से आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं, ये फैसिलिटीज़ को। और फ्री टेस्ट सीरीज में आप लोग एक रेगुलरिटी आपकी सुनिश्चित हो सकेगी, क्योंकि उसमें सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल फ्लेजर टेस्ट होंगे, उन सभी के मार्फत हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिए, जो आपका आज का प्रश्न था मैंने उसको तर्कों पर बताने या समझाने की कोशिश की है कि आपके लिए कोचिंग जरूरी है कि नहीं। अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस कर रहे हैं या यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कोचिंग जरूरी है कि नहीं, आपने कोचिंग की भूमिकाओं को समझा, कोचिंग के काम को समझा, और क्या वो काम आप लोग अपने स्तर पर कर सकते हैं कि नहीं, कि अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इन सभी जरूरी मुद्दों पर हमने बात किया। उम्मीद है आपको हमारे जो थॉट्स की क्लैरिटी है वो आप तक पहुंची हो और आप उसको समझ सके हो, तो आपकी शायद इस समस्या का समाधान निकल सका हो, या संदेह जो आप लोग अपने ऊपर करते हैं कि पता नहीं हमारा बिना कोचिंग के निकलेगा कि नहीं। विश्वास मानिए, अगर आप लोग सही दिशा में सही तरीके से सही समय पर मेहनत कर लिए तो निश्चित तौर पर आप लोगों को उसका परिणाम जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।